हेलो एवरीवन इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट पाइथन पांडास पाइथन पांडास के साथ में डेटा पांडास होते क्या हैं पांडास की यूजेस क्या हैं पांडास का डेटा स्ट्रक्चर क्या है डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को कंसिस्ट करता है ये सब हमने कल पढ़ा था उसमें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सीरीज और डेटा फ्रेम दो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जो पाइथन पांडा सपोर्ट करता है तो आते हैं बात करते हैं कि सीरीज क्या होती है और डेटा फ्रेम क्या होते हैं सीरीज वन डायमेंशनल एरे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सीरीज मीन्स वन डायमेंशनल एरे ऑफ पाइथन पांडास और डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल एरे ठीक है मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है कि हम सीरीज को तो वन डायमेंशनल बोल सकते हैं और डेटा फ्रेम को टू डायमेंशनल तो सीरीज इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन पांडास एंड डेटा फ्रेम्स इज़ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन पांडास ये क्या है एक डेटा स्ट्रक्चर के पैनल है जिसमें वर्क करता है सीरीज और डेटा फ्रेम अब जो नीचे आपके सामने टेबल दी हुई है उससे समझिए ये सीरीज में वन डायमेंशनल मतलब सिंगल ही डेटा वैल्यू पुट कर सकते हैं और डेटा फ्रेम में हम लोग मल्टी डायमेंशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं मतलब रोज को रोज एंड कोलम्स एग्जिस्ट करते हैं रादर देन सीरीज़ में सिर्फ रो एग्जिस्ट करती है अब इसके बाद हम इनकी दोनों की जब बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसीशन देखते हैं सीरीज़ में सबसे पहला डिफ्रेंसीशन है डायमेंशन का कि सीरीज़ में वन डायमेंशन होती है और डेटा फ्रेम में टू डायमेंशन होती है उसके बाद डेटा टाइप का सीरीज़ में होमोजीनियस डेटा टाइप ऐड होते हैं मतलब सेम डेटा टाइप हम सीरीज में लिख सकते हैं जबकि डेटा फ्रेम में हैट्रोजीनियस डेटा टाइप ऐड होते हैं मतलब डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हम उसमें ऐड कर सकते हैं उसके बाद है म्यूटेबिलिटी का जो भी सीरीज में वैल्यू हम लोग डालते हैं कोई भी एलिमेंट्स डालते हैं उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं सेम डेटा डेटा फ्रेम में है एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ भी चेंज हो सकती है एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ भी चेंज हो सकती है ठीक है उसके बाद साइज़ का बात करते हैं तो सीरीज़ में जो तो साइज़ होता है डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का वो इम्यूटेबल होता है मतलब चेंज नहीं कर सकते एक बार जितने भी एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए ना तो हम उनमें और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं ना हम उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है सेम एज इट इज़ साइज का यहाँ डिफर है डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का कि हम लोगों ने एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो म्यूटेबल हुआ वो इम्यूटेबल होता है हम उनमें ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट को और ड्रॉप भी करते हैं अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट के साथ अब बात करते हैं कि जब आपको पांडास यूज़ करना है अपने भाई एर पांडास का सिंपल मतलब है कि उसमें एर भी इंक्लूड हो जाता है तो मतलब एर की फाइल और पांडास की फाइल को दोनों की लाइब्रेरी को या हम बोलें कि दोनों की लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो पायथन की शैल या स्क्रिप्ट प्रोग्राम के कोड पर लिखे जाने चाहिए वो ये दोनों प्रोग्राम है इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी और इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी अब देखिए एरो करके आपको क्लियर किया हुआ है कि यू कैन यूज़ एनी आइडेंटिफायर नेम इन अ प्लेस ऑफ पी डी एंड एन पी बट एन पी एंड पी डी हैव बीन प्रेफर्ड चॉइस जनरली देखो पांडास का पी जो ऑब्जेक्ट बना है और नम्पाई का एन ये जनरली चॉइस इसीलिए प्रेफ़र की थी, करी जाती है क्योंकि इनके नाम से इनको जनरेट किया है बाकी ऐसा नहीं है कि आप यही लिखें आप इनके दूसरे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं ठीक है ठीके? मतलब यहाँ बेसिक ये बताया है कि पांडा इम्पोर्ट पांडाज और इम्पोर्ट नम्पाई ये दोनों ऐसी लाइब्रेरी हैं जिनको अगर आप इम्पोर्ट नहीं करते हैं तो हम इनके जो फीचर्स uh, हैं लाइक सीरीज बनाना डेटा फ्रेम बनाना एरे बनाना इन सभी को हम लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं कर सकते ठीक है अब चलिए चल के देखते हैं कि पांडास के अंदर हम सीरीज कैसे बनाते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा पांडास के अंदर सीरीज को बनाना सबसे पहले देखिए सीरीज आ सीरीज इज अ पांडाज डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रजेंट अ वन डायमेंशनल एरे लाइक ऑब्जेक्ट कंटेनिंग एन एरे ऑफ डेटा लाइक नम्पाए है ना मतलब जो भी इंडेक्सेशन के अंदर वैल्यू हम पुट करते हैं उसमें एरे टाइप का होमोजीनियस डेटा नम पाए के अंदर स्टोर किया जाता है मतलब जस्ट लाइक अ एज इट ट्रीट्स जस्ट लाइक एज अ एरे ठीक है सीरीज इज एन इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडा इट रिप्रेजेंट अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ डेटा अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ टू मेन कंपोनेंट एन एरे ऑफ एक्चुअल डेटा और एसोसिएटेड एरे होता है जो कि इंडेक्स और डेटा के लेबल को करके चलता है मतलब जरूरी नहीं है कि आपने इंडेक्सिंग दी हुई हो अगर आपने इंडेक्सिंग नहीं दी तो वो बाई डिफॉल्ट उसको जीरो वन टू थ्री में कंसिस्ट कर लेता है बेसिकली बात यहाँ सिर्फ यही है कि वन डायमेंशनल एरे डेटा स्टोर होता है और वन डायमेंशनल एरे डेटा के साथ अपन वन डायमेंशनल टाइप का नम्पाए एरे बना सकते हैं ठीक है पांडास की जो लाइब्रेरी है उसमें एक लाइब्रेरी जो बताया सीरीज़ ये क्या करता है पांडास और नम्पाए की कुछ कंटेंट को इनबिल्ट कर लेता है अपने आप में ठीक है अब देखो सीरीज़ के साथ क्या है सीरीज़ के साथ ये जो फंक्शन साइन लगाया है इसका मतलब है कि ये लाइब्रेरी के साथ कुछ फंक्शनिंग इम्पोर्ट कर रहा है अगर हमने सिंपल लिखा पांडास डॉट सीरीज़ इसका मतलब है एक सीरीज़ टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है लेकिन वो एम है अभी उसमें कोई भी डेटा वैल्यू इनपुट नहीं की गई है ठीक है जैसे कि देखिए ऑब्जेक्ट थ्री नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया पी डॉट सीरीज़ किया मतलब पांडास की पी ले ली उन्होंने पी में सीरीज को उसने पुट कर दिया सीरीज तो बन गई लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है वो एम सीरीज है ठीक है अब देखो एम जब भी कोई सीरीज बनती है तो उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट सिक्सटी फोर बिट का होता है ये बात ध्यान रखना देखो यहाँ लिखा हुआ है द अबव स्टेटमेंट विल क्रिएट एन एम सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट विद नो वैल्यू हैविंग डिफॉल्ट डेटा टाइप विच इज फ्लोट 64 बिट जिसके अंदर कोई और वैल्यू है नहीं वो खाली है और उसमें 64 बिट की वैल्यू ऐड की जा रही है ठीक है समझ में आ रही है बात अब अगर अपन नॉन एम सीरीज बनाएंगे तो उसमें क्या होगा देखो भाई अगर हम नॉन एम सीरीज बनाएंगे तो उसमें वैल्यू डालेंगे ना वैल्यू तो डालनी पड़ेगी जो भी हमें सिक्वेंस देना है तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं ये कहता क्या है ये कहती है कि टू क्रिएट नॉन एम सीरीज यू हैव टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट्स आपको इंडेक्सिंग पर आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करने ही पड़ेंगे कि आपकी जो सीरीज़ है वो किस तरीके की है? है ना आपकी जो सीरीज़ जो आपने नम की बनाई है वो क्या क्या लेकर चल रही है वो डिक्शनरी लेकर चल रही है वो एंडी एरे बना रही है वो सिक्वेंस बना रही है वो स्कैलर वैल्यू ले रही है इनमें से कोई तो एक चीज़ तो होगी तो हम देखते हैं कि हम लोगों को जब स्पेसिफाइड सिक्वेंस देने होते हैं तो स्पेसिफाइड सिक्वेंस में हम लोग सीरीज़ कैसे बनाते हैं हम लोगों को यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस देना होता है जैसे कि एग्जाम्पल देख के चलिए पी डी डॉट सीरीज़ और रेंज में उसने डाल दिया फाइव मतलब समझ में आ गया रेंज क्या जनरेट कर रही है सीक्वेंस जीरो वन टू थ्री फोर इंडेक्सिंग वो सेल्फ से ले लेगा जीरो वन टू थ्री फोर अगर हमें स्पेसिफाइड इंडेक्सिंग देनी होती है तो उसका अलग एग्जाम्पल है वो भी बताऊँगी देखो जैसे यहाँ पर उसने यहाँ तो उसने रेंज दे दी लेकिन यहाँ उसने लिस्ट दे दिया सिक्वेंस का कि जो मेरे साथ में पांडास की सीरीज़ होनी चाहिए उसमें वैल्यू ऐसे पुट होनी चाहिए थ्री पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव एंड एट पॉइंट मतलब फ्लोट की वैल्यू है और जो डिस्प्ले कर रही है इंडेक्सिंग को इस फॉर्मेशन में ठीक है डेटा टाइप वाई सिक्सटी फोर बिट होगा लेकिन यहाँ क्या है सेम वही चीज़ है कि इंडेक्सिंग जीरो वन टू थ्री फोर इसने सेल्फ से जनरेट कर ली अब यहाँ जो वैल्यू है वन टू थ्री फोर तो ज़ीरो से थ्री तक ये सीरीज़ चल जाएगी आज के लिए इतना ही इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पुट कीजिए थैंक यू